नमस्कार, गुड लक टिप्स कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा शर्मा और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। दर्शकों, आज गुड लक टिप्स के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे दैनिक राशिफल की। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कुछ उपाय आपको आज के दिन करने हैं और क्या आज के गुड लक टिप्स रहेंगे जो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा राशि अनुसार आपका दिन, क्या कहते हैं आज के दिन आपके सितारे, आज के गुड लक टिप्स क्या हैं, दिव्य मंत्र क्या हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। इस तरह की ग्रह गोचर से जुड़ी, दैनिक राशिफल से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वह है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पिछले दिनों से कोई बिगड़ा हुआ जो कार्य है वो आज सफल होता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य, हेल्थ की आज आपको चिंता रहेगी, थोड़ा सा अनइजी आपको महसूस होगा, उच्चाटन बना रहेगा, मन अच्छा नहीं रहेगा। धन लाभ के अवसर आज आपको मिलेंगे लेकिन खर्च का बोझ भी बढ़ेगा, यात्रा का संयोग बन सकता है। कोशिश करिएगा कि आज घर पर ही रहकर शांति से दिन बिताएं तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। अगर घर के कुछ छूटे हुए काम निपटाना चाहते हैं, ज़्यादा बड़े कामों को हाथ में न लेकर छोटे छोटे कामों को ही आज आपको हाथ लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहते हैं आज के दिन आपके सितारे, कैसी रहेगी आज आपके ग्रहों की चाल। तो वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके मन में बहुत सारे विचार आते जाते रहेंगे, थोड़ी बेचैनी भी आज आपको हो सकती है। आपके फ्यूचर को, आपके भविष्य को लेकर आपकी जो उम्मीदें हैं, जो आपके सपने हैं, उनके बारे में आज सही से विचार कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान कीजिएगा, निश्चित तौर पर दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी। किसी खास मसले पर विचार विमर्श के पश्चात ही आपको डिसीजन लेना होगा, अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लीजिएगा। परिवार में प्रेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज का दिन आपके लिए एनर्जी से भरपूर रहेगा। किसी के फोन से कोई पुराने झगड़े या विवाद का हल, सॉल्यूशन आज आपको मिल सकता है। कोई नई गाड़ी का सौदा करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है, माहौल है, काफी शांतिपूर्ण रहेगा। बस ध्यान क्या रखना है, आज आपको बड़े बुजुर्गों से बहस में नहीं उलझना है, किसी भी तरह का आर्गुमेंट अपने बड़ों से नहीं करना है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तो दर्शकों, पहली तीन राशि के बारे में आपने पंडित जी से जाना, अब बात करते हैं कर्क सिंह कन्या राशि की। उनका दिन आज का कैसा रहेगा, चलिए जानते हैं। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक है, उनके क्या कहते हैं आज के दिन के सितारे, कैसी रहेगी आज कर्क राशि वाले दर्शकों के ग्रहों की चाल। तो किसी विशेष कार्य के बन जाने से, सफल हो जाने से आज शाम तक खुशी का माहौल आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान क्या रखना आज आपको, कहीं ऐसा ना हो कि आप दोराए में ही फंसे हो और बाजी मारने के लिए कोई और आपसे आगे निकल जाए। घर के छोटे सदस्यों के साथ उनके काम में हाथ बटाना आपके लिए ठीक रहेगा, खुशी भी मिलेगी और दूरगामी फायदे भी होंगे। छोटी मोटी यात्रा के भी आज के दिन योग बन सकते हैं।
बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, क्या कहती है आज के दिन किस्मत आपकी? अत्यधिक परिश्रम से की गई चेष्टाएं, प्रयास फलीभूत होंगी। यू हैव टू पुट 200% एफर्ट्स, तभी जाके आपके काम बनेंगे। कहीं आपको आज खजाना हाथ लग जाए तो उसी वस्तु को उठाना जिसको आप आसानी से इस्तेमाल कर सके। आज सुबह से ही पॉजिटिव फील करेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में भी आज का दिन अच्छा रहेगा। ऐसा कोई भी स्टेप आज आपको नहीं उठाना है जिससे आज के दिन आपका उत्साह कम हो। शाम तक पैसे कमाने के, फाइनेंशियल बेनिफिट के बहुत सारे मौके आपके हाथ में आएंगे। धैर्य रखिएगा, समय आज आपके अनुकूल है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे क्या कहते हैं आपके लिए? तो कन्या राशि वाले दर्शकों के सितारे ये कहते हैं कि कुछ पर्सनल और कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर्स पर आज आपको एक्टिव रहना होगा, कार्रवाई करना होगा। गोपनीय प्रसंगों पर आज कार्रवाई करना अति आवश्यक होगा। किसी किस्मत वाले से जरूर पूछिएगा कि उसने सब कुछ पाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं, तब आपको जीवन की अहमियत समझ में आएगी। प्यार के मैटर्स में, अफेक्शन लव के मैटर में थोड़ा धीरज रखने की आवश्यकता है। आज दिन भर सारे हालात का जायजा लेने के बाद ही कोई विशेष कदम उठाइएगा, विशेष डिसीजन लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, कोई कदम नहीं उठाना है। निश्चित तौर पर आपके हक में होने के सारे जो मैटर्स हैं, इट विल बी इन योर फेवर। आज बिजनेस में कोई बहुत बड़ी डील नहीं करनी है, डील से बचिएगा। जो जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिएगा तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो दर्शकों, छह राशियों के बारे में अपने पंडित जी से जाना। चलिए बात करते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि की। जी बिल्कुल, आइए बात कर लेते हैं तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं कि क्या कहते हैं आज के दिन आपके सितारे। दोस्तों, आज थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन रखिएगा, मन में सुख शांति बनाए रखिएगा। यथा संभव जो कार्य है वो भी आपके पूर्ण होते चले जाएंगे। बस प्रयास करते रहिएगा, एफर्ट्स करते रहिएगा, आलस से कुछ छोड़ दीजिएगा, सफलता आज आपको अवश्य मिलेगी। फाइनेंशियल अगर कोई क्राइसिस चल रही है, पैसों से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो आज खत्म होती हुई नजर आएगी। इकोनॉमिक फ्रंट पर आज आप सहज फील करेंगे, गुड फील करेंगे। मानसिक शांति के लिए आज किसी पार्टी में जाने की बजाय चुपचाप घर में शांति से शाम का समय बिताइएगा। रोजमर्रा की जिंदगी से हटकर कुछ नया करने का प्लान कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, मन खुश रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आपके दिन के सितारे क्या कहते हैं? आज आपको किसी भी अनावश्यक प्रपंच से बचना होगा, किसी भी विवाद से बचना होगा, खर्च से बचना होगा। कभी कभी जीवन भर परीक्षाएं खत्म नहीं होती हैं, पर धैर्य रखने की एक सीमा होती है। आज का दिन आपके लिए शाम को आराम करने का होगा। आज अगर नौकरी से अवकाश लेना चाहते हैं तो अवकाश भी ले सकते हैं, और घर पे अगर अवकाश लिया है तो छोटे मोटे कामों को निपटाने से आपको दिल का सुकून मिलेगा। आसपास की छोटी मोटी यात्रा का योग बनेगा। जान पहचान के लोगों के साथ छोटी सी गैदरिंग भी आज शाम को हो सकती है। बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, उत्तरदायित्व और अधिक कारोबार से आज आप बहुत बिजी रहेंगे। एक्स्ट्रा वर्क आज आपको करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई नजर आएगी। मात्र लंबा दिखाई देने से कद नहीं बढ़ जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आज दिन भर खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा। पिछले कुछ समय से आपके किसी शुभ काम में आ रही रुकावटें दूर होती हुई नजर आएंगी। करीबी रिश्तेदारों के साथ मुलाकात काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। बच्चों के साथ टाइम शेयर करके उनके उत्साह में काफ़ी बढ़ोतरी कर सकते हैं। पॉजिटिव सोच बनाए रखिएगा, पॉजिटिव अप्रोच बनाए रखिएगा, बाकी आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। तो दर्शकों, नौ राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको अब तक बताया।
बात करेंगे अंतिम तीन राशि की, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज बात हो रही है दैनिक राशिफल की, क्या कुछ आपको आज के दिन करना है, पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं अंतिम तीन राशि मकर, कुंभ, मीन की। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं मकर राशि के बारे में, क्या कहते हैं आज के दिन आपके सितारे। आज समय का सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आपके जो हार्डवर्क है, आपके जो प्रयास है, वो आपको सफलता की तरफ ले जाएंगे। अड़चने आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी, काम जो रुके हुए थे वो बनते हुए नजर आएंगे। आज अपनी हॉबी को पूर्ण करने के लिए कोई नया काम या नई वस्तु को प्राप्त करने का मन करेगा। खुद के साथ आज ज़्यादा वक्त गुजारेंगे तो काफ़ी फ्रेश महसूस करेंगे। दिमाग पर बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालें, रिलैक्स रहने की कोशिश करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन के सितारे कहते हैं कि महत्व के काम को समय पर बना लें, अल्प परिश्रम से हल्का लाभ होगा, मन प्रसन्न रहेगा, रोमांटिक पार्टनर सुबह से ही आपके किसी फैसले की आलोचना कर सकता है, इसलिए उसकी खुशी को देखते हुए अपने प्लान में, अपनी सोच में थोड़ा फेरबदल करना पड़ सकता है। दोस्तों के साथ लंच का प्लान भी बन सकता है। शाम का समय घर के कामों को निपटाने में बीतेगा, घर के सदस्य आपके कामों में सहयोग देंगे। बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के सितारे कहते हैं कि किसी रुके हुए अवरुद्ध कार्य का आज समय पर बन जाने से हर्ष रहेगा, लेकिन दोपहर तक का समय थोड़ा सा नेगेटिव है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, लेकिन शाम का समय अच्छा है। थोड़ा सा दिन धीमा रहेगा, स्लो रहेगा, ज़्यादा समय घर पर गुजारने में समझदारी है। बहुत दिन से छूट रहे कामों को आज निपटा लेने के लिए काफ़ी समय मिल जाएगा और निश्चित तौर पे बाकी पूरा दिन आपका सफलताओं से भरा रहेगा। तो दर्शकों, 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया, क्या कुछ आपको आज के दिन करना है राशि अनुसार, ये भी आपने पंडित जी से जाना। आज के दिन वो कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए, ये भी हम पंडित जी से जान लेते हैं, जिससे आपके जीवन में सदा खुशहाली बनी रहे। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं कुछ सिंपल से टिप्स, चमत्कारिक टिप, गोल्डन टिप्स, गुड लक टिप्स। चावल में दूध और गुड़ मिलाकर खीर बनवा लीजिएगा, या तो चावल में गुड़ दूध मिलाकर भगवान के भोग लगाइएगा और फिर उस खीर का सेवन करिएगा। आज के दिन इस उपाय से आपके जीवन में तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। आज अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ देशी घी का दीपक जलाकर माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिएगा। देशी घी का दीपक जलाइएगा घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, निश्चित तौर पर घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। नकारात्मकता तंत्र मंत्र टोने टोट के आपके घर से भागेंगे कोसों दूर। कहीं बहता हुआ जल मिल जाए तो गुड़ और चावल मिलाकर उसको प्रवाहित कीजिएगा। निश्चित तौर पर नौकरी और व्यवसाय में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में तरक्की होगी, व्यवसाय में आपको लाभ प्राप्त होगा। बहते हुए पानी में स्नान आदि के पश्चात, निवृत्त होने के पश्चात एक नियम मान लीजिए, प्रतिदिन यदि आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और उनके समक्ष खड़े होकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते हैं, यदि आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल सकता है, यदि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी जगह से आप IIT कर सकते हैं, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल चढ़ाइए और सूर्य देव के समक्ष खड़े होकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को झूमेगी। यदि आप घर से बाहर जब सुबह किसी कार्य के लिए निकले, नौकरी के लिए निकले, व्यापार के निकले, तो कुछ थोड़ा सा गुड़ का सेवन कीजिएगा। गुड़ खाने के पश्चात थोड़ा सा जल पीकर तत्पश्चात घर से निकलिएगा, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। आज घर से निकलते समय
एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी गेहूं और एक गुड़ की डली, एक मुट्ठी गेहूं और एक गुड़ की डली बांध लीजिएगा। अपने साथ वो पोटली लेकर किसी मंदिर के अंदर दान कर दीजिएगा। मंदिर में रख के उसके पश्चात घर से बाहर निकलेगा, निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में 100% सफलता आपको प्राप्त होगी। संभव हो तो शिव पार्वती के मंदिर में जाइएगा, रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अर्पण कीजिएगा। जीवन में जो भी कष्ट है, रोग है, दोष है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, उनसे मुक्ति मिलेगी इस सरल से उपाय आज के दिन करने से। तो दर्शकों, ये तमाम उपाय हैं जो आप कर सकते हैं और सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। अब पंडित जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से वास्तु टिप्स हैं जिन्हें हमारे दर्शकों को फॉलो करना चाहिए। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का वास्तु टिप। दोस्तों, अब हर घर में ऑफिस के अंदर क्लॉक, घड़ी अवश्य लगी होती है। घड़ी समय तो देखने के काम आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी का जो काटा है, जो 24 आवर जो चलता रहता है, मूवमेंट करता रहता है, उसका भी शुभ अशुभ प्रभाव आपके जीवन पे, आपके कैरियर में पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके घर में, आपके ऑफिस में अगर जो घड़ी है, क्लॉक जो है, वो वास्तु सम्मत दिशा में लगी है, तो घर में नाना प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वहीं यदि आपके घर में, ऑफिस में क्लॉक अर्थात घड़ी वास्तु सम्मत दिशा में नहीं लगी हुई है, तो नाना प्रकार के कष्टों, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आर्थिक हो, भोगने पड़ते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किन दिशाओं में घर में घड़ी होनी चाहिए और किन दिशाओं में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं घड़ी किस दिशा में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपका घर हो या चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका कारखाना हो, आपके घर की जो साउथ वाल है, दक्षिणी जो दीवार है, ऑफिस की जो दक्षिण दीवार है, कारखाने की जो दक्षिण दीवार है, उस दक्षिण दीवार पे साउथ वाल के ऊपर कोई भी घड़ी नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से घड़ी का काटा घूमता है, वो उस दिशा के प्रभाव को बढ़ाने लगता है। तो अगर साउथ वाल पे कोई घड़ी लगाई है, तो आपके हर कार्य में अड़चन आएगी, रुकावट आएगी, घर के सदस्यों में क्रोध बना रहेगा। तो भूल कर भी घर की साउथ वाल के ऊपर घड़ी नहीं लगाएं, ऑफिस की साउथ वाल पे घड़ी नहीं लगाएं। दूसरी किस दिशा में नहीं लगानी है, वो है पश्चिम दिशा, वेस्ट वॉल पे। आप चाहे आपके घर की, चाहे आपके ऑफिस की, चाहे आपके कारखाने की, पश्चिम दीवार पे भी कोई घड़ी नहीं लगानी चाहिए। पश्चिम दिशा शनि की दिशा है। पश्चिम दिशा में यदि घड़ी लगाते हैं तो शनि के प्रभाव बढ़ते हैं, संतान कुमार्ग पे चलती है, पैसा बीमारियों की तरफ जाने लगता है, जितना आता है कहाँ चला जाता है पता ही नहीं पड़ता ही। तो दक्षिण दीवार पे घड़ी नहीं लगाएं, पश्चिम दीवार पे घड़ी नहीं लगाएं। तो अब घड़ी लगाने की दिशा कौन सी है, या तो पूर्व दिशा में घड़ी लगाएं या उत्तर दिशा में घड़ी लगाएं। अपने घर, ऑफिस की नॉर्थ वॉल पर उत्तर दिशा में यदि आप क्लॉक लगाते हैं, घड़ी लगाते हैं, तो लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी का आशीर्वाद बना रहता है। पूर्व दिशा में घड़ी लगाते हैं तो भगवान सूर्य का आशीर्वाद बना रहता है। तो दो शुभ दिशाएं हैं, एक तो पूर्व और एक उत्तर, और दो अशुभ दिशाएं हैं दक्षिण और पश्चिम। घर में घड़ी कौन सी लगानी चाहिए, पेंडुलम वॉच जो आती है, वो पेंडुलम वॉच अपने घर में लगाएं, पढ़ने वाले बच्चों कमरे में लगाएं, उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो दो ही दिशा है, पूरब और उत्तर दिशा, इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो दर्शकों, आपको कौन सी घड़ी किस दिशा में लगानी चाहिए, ये पंडित जी ने आपको बताया। चलिए पंडित जी से जानते हैं आज का दिव्य मंत्र क्या रहेगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आज का दिव्य मंत्र। ओंकार साधकाय नमः, ओंकार साधकाय नमः, ओंकार साधकाय नमः, ओंकार साधकाय नमः। लाभ क्या है, यदि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आप कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, आप अपने जीवन से, अपने कैरियर से जुड़े किसी महत्वपूर्ण कार्य को करने जा रहे हैं, यदि आप एग्जाम्स देने जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका सोचा हुआ हर कार्य सिद्ध हो, पूर्ण हो जाए, एग्जामिनेशन में संपूर्ण सफलता आपको प्राप्त हो, तो ओम कार्य साधकाय नमः इस मंत्र का जाप करके जाइएगा। इस मंत्र के जाप से आपको मिल सकती है आपके कार्य में 100% सफलता। गुलाब की धूप बत्ती और एक तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा, तत्पश्चात में आप घर से निकलिएगा, मंत्र के प्रभाव से सफलता आपके कदमों को चूमेगी, हर कार्य में सफलता आपको प्राप्त होगी।
तो दर्शकों, आज गुड लक टिप्स में आपने जाना पंडित जी से अपने राशि अनुसार आपको क्या कुछ करना है और क्या नहीं, साथ ही वो गुड लक टिप्स जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं, चमका सकते हैं। पंडित जी, तमाम जानकारी दर्शकों को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। दर्शकों, आज के इस खास एपिसोड में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।